हेलो गाइस, वेलकम टू नीलम ड्रीमी स्पेस। और अब बज रहे हैं शाम के 7 और आज मैं अब इस टाइम पे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अब देखिए, मैं हूँ किचन में ही और किचन में बन रहा है खाना। और खाने में मैंने आज क्या बनाया, खाने में मैंने आज सिंपल सी आलू प्याज टमाटर की सब्जी बनाई है और रोटी बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी आमरस। आज आटा लगाने का काम मैंने अपनी बेटी को दिया है, मेरी बेटी क्योंकि आटा लगा रही है। और कल से घर में शुरू हो जाएगा काम रूम के रिनोवेशन का, तो मैं आपको बराबर अपडेट देती रहूंगी कि क्या क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए अब फिर से चलते हैं किचन में। आटा लग के तैयार हो गया है। इवनिंग के टाइम में 8 बजे मुझे जाना रहता है नीचे टहलने के लिए, सब मेरे फ्रेंड्स आते हैं। तो मैं कुछ भी मिस कर सकती हूँ पूरे दिन में, लेकिन वो चीज नहीं मिस कर सकती हूँ, इसीलिए मैं उस टाइम से पहले पहले खाना बना लेती हूँ। और आज भी मैं अपना पूरा खाना कंप्लीट करूंगी और फिर मैं नीचे जाऊँगी। पूरे दिन घर का काम करने के बाद में और इतना ज्यादा वर्क प्रेशर के बाद में शाम को तो 1 घंटा नीचे जाना बनता है। और मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा उस टाइम पे वेट करते हैं, तो मैं उसी टाइम पे 1 घंटा नीचे जाती हूँ ठंडी हवा में और सबसे मिलके आती हूँ और खूब सारी चिट चैट मस्ती करके आती हूँ। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक टिंडे की सब्जी की रेसिपी जो कि मैंने सुबह शूट करी थी, तो चलिए देख लेते हैं। और ये मैं बनाऊंगी ग्रेवी वाले टिंडे। ग्रेवी के लिए मैंने ले लिए हैं प्याज टमाटर, थोड़े से पोस्त, काजू, लहसुन और अदरक का टुकड़ा। ये सब चीज़ें मैंने बॉईल कर ली हैं अच्छे से और बॉईल करके मैं इनकी ग्रेवी बना लूंगी। अब मैंने कढ़ाई में देसी घी ले लिया है और अब मैं इसके अंदर टिंडे डाल के अच्छे से इन्हें सॉटे कर लूंगी, स्टीम कर लूंगी घी में। जैसे मैंने यहाँ पे गलती से स्टील का स्पैटुला यूज कर लिया है मिट्टी की कढ़ाई में, लेकिन आप ये ना करें, मैं भूल गई थी, गलती से मैंने ले लिया है। लेकिन मिट्टी की कढ़ाई में स्टील के अगर बर्तन आप यूज करेंगे तो कढ़ाई खराब हो जाएगी। और अब देखिए, ये मेरे टिंडे लगभग अच्छे से स्टीम हो चुके हैं घी में, फ्राई हो चुके हैं। आपको ज्यादा घी नहीं लेना है फ्राई करने, जितना थोड़ा सा ही घी लेना है जिसमें हम इन्हें बस स्टीम कर सकें, थोड़े से सॉटे करके हल्के से ब्राउन कर सकें। और अब इसमें आपको डालनी है हींग और जीरा और लाल मिर्च डाल दूंगी मैं यहाँ पे, और हल्दी भी साथ ही में डाल दूंगी जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी का। अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे ग्रेवी, क्योंकि ग्रेवी पहले से बॉइल्ड है तो ये बहुत जल्दी ही थोड़ी सी भुनने पे ही ये घी इसका अलग हो जाएगा और अच्छे से भुन जाएगी ये जरा सी देर में। जैसे कि तड़के के टाइम में हमने जरा सी लाल मिर्च डाली थी सिर्फ कलर के लिए, तो अब बची हुई जितने भी आपको तीखा चाहिए उसके हिसाब से हम लाल मिर्च और डाल देंगे इसमें। और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया। तड़के में जब भी हम लाल मिर्ची डालेंगे तो एक बहुत अच्छा कलर उभर के आता है सब्जी का। साथ ही इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला और सब्जी का मसाला जो कि मैं मिक्स करके रखती हूँ। गरम मसाला मेरे घर पे ही बना हुआ है, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बना के भेजा था। अब इसे अच्छे से स्टर करके हमें भून लेना है। और अब हम गैस को सिम करके इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और 10 मिनट बाद देखिए कैसे एकदम घी इसका अलग हो चुका है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है हमारी सब्जी का। और अब इसमें मैंने वो स्टीम किए हुए टिंडे मैंने डाल दिए हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स करके फिर से हम 2-5 मिनट के लिए ढक देंगे इसे। और अब साइड में मैं तैयार करूंगी एक तड़का। तड़के में मैंने 2 चम्मच घी लिया है। अगर आप घी कम खाना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है चॉप्ड लहसुन,
और अब इस लहसुन को मैं अच्छे से भून लूंगी, एकदम ब्राउन कर लूंगी। और जब लहसुन एकदम ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें जरा सी कसूरी मेथी भी डालूंगी, और कसूरी मेथी के बाद में मैं इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च फिर से डालूंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कितनी ज़्यादा लाल मिर्च यूज़ की है। पहली बात तो मेरी लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है, और सेकंड थिंग मैं कभी भी ग्रेवी वाली सब्जी में एक साथ पूरी लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, थोड़ी थोड़ी डालती हूँ, क्योंकि जिससे कि कलर अच्छा आता है। जब भी हम एक साथ लाल मिर्च डाल देंगे कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी में तो वो ग्रेवी तैयार होते होते उसका कलर एकदम फेड हो जाता है। अब देखिए तड़का तैयार हो गया है और मैं इस तड़के को सब्जी में डाल दूंगी, और देखिए अब इस लहसुन की जो खुशबू आएगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी ऊपर से तड़का लगाने पे। ये सब्जी मैंने अपनी मम्मी से सीखी हुई है, मुझे क्या है टिंडे की सब्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो हम बनाते हैं सादी सब्जी, तो मम्मी मुझे हमेशा से इसी तरह की सब्जी बना के खिलाया करती थी और मुझे बहुत पसंद है सब्जी। तो अगर आपको भी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हमारे ग्रेवी वाले टिंडे बन के हो गए हैं एकदम रेडी, साथ ही मैंने रोटियां भी सेक ली हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ मेरे रिनोवेशन वाले रूम का अपडेट, जिसका सामान मुझे आज सारा दूसरे रूम्स में बचा हुआ सामान भी सेट कर लेना है। देखिए बहुत ही बुरा हाल है रूम का, और मैं आपको इसकी अपडेट देती रहूंगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब कल मिलूंगी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।